सीरियसली गाइस, इधर का पानी का स्पीड देख के तो मुझे लग रहा है मैं नदी में आ गया हूँ। एक्चुअली एम्बुलेंस इधर रुका हुआ है, जा नहीं पा रहा आगे। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं और आपको कुछ दिखाना है। एक्चुअली आज का नज़ारा आज का नज़ारा देखिए, मेरे घर तक इतना पानी आ गया है एंड फुल ऑन फ्लड हो गया एक्चुअली पूरे सिलचर एरिया में। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। सो अभी देखिए कितना पानी है, मतलब इधर तो इतना है, ये मेरे गली में इतना पानी है और आगे मतलब अप्रॉक्स चेस्ट लेवल तक भी है किसी किसी एरिया में, कमर तक तो है ही। आप देख ही सकते हो मतलब कितना एक्सट्रीम लेवल यहाँ पे मेरा इतना तक आ गया है। आगे तो जाके भाई कमर, ये देखो भाई कमर लेवल में पानी आ गया है। ओ शिट, ओ शिट, पानी का लेवल तो फुल एक्सट्रीम हो गया है। रात तक एक्चुअली इधर एकदम पानी नहीं था, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब फुल नॉर्मल रोड था। और आज जैसे ही सुबह मैं उठा, मम्मी पापा लोग तो अप्रोक्स 4 बजे से उठ गए थे, 3:30-4 बजे से उठ गए थे। और जैसे मैं सुबह उठा, उठ के देखा कि फुल हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा कंडीशन में घर से निकलना अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग का दुकान में भी पानी आ गया है। सो दैट इज़ अ रीज़न मुझे थोड़ा जाना हो रहा है पापा के साथ। पानी का स्पीड भी बहुत एक्सट्रीम है, मतलब अगर नॉर्मल रहता तो भी ठीक रहता, बट आप स्पीड देख सकते हो ये कितना स्पीड से आगे जा रहा है। पानी भी बहुत स्पीड से आ रहा है, एक्चुअली सब नदी का पानी है और नदी का जो डैम एरिया है और जहाँ पे ब्लॉक करता है वो सब टूट गया है एंड एक्सट्रीम लेवल में पानी अंदर आ रहा है। एक्चुअली तेरा तेरा हो, तेरा हो, लोग उस साइड से जा रहे थे और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ पानी था जैसे कि आपने देखा होगा, तो इसलिए हम लोग ने अभी उस साइड से जाना बंद कर दिया और ये दूसरी तरफ से आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ही पानी है एक्चुअली गाइस एंड पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम लोग को एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला पहले हम लोग की दुकान में जाना है, एक्चुअली दुकान में बहुत ज़्यादा ही पानी आ गया है। पापा का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो वो लेने जाना है। तो सोचा कि इधर से घूम के आते हैं, बट इधर भी बहुत पानी है गाइस। ये साइड में एक्चुअली थोड़ा पानी कम है कंपेरेटिवली मेरे एरिया से, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये वाला एरिया है बिलपर एरिया एक्चुअली। एम्बुलेंस इधर रुका हुआ है, जा नहीं पा रहा है आगे, कितना ज़्यादा पानी जमा हो गया है ना। ये एक्चुअली आगे रंगेखारी एरिया है, ये गोपीनाथ साइड है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो मतलब कितना ज़्यादा पानी आ गया है। एक्चुअली जो लोग सिलचर से देख रहे हैं, आई होप आप लोग को अंडरस्टूड हो गया होगा कि मतलब कितना पानी है कौन से एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पीड से पानी आ रहा है। हम लोग एक्चुअली उधर से निकलने वाले थे पहले जब स्टार्ट किए थे जाना, बट पानी के फोर्स की वजह से हम लोग घूम के आए बहुत दूर से। हम लोग घर से निकले थे इधर से आने के लिए एक्चुअली। इधर का पानी का हालत दिखा दो मैं, ओह शिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड है। इधर से आने वाले थे हम लोग, बट इतना ज़्यादा पानी का फोर्स है तो हम लोग ने फिर घूम के आने का एक्चुअली डिसाइड किया। पापा किधर है, ये हम लोग का मार्केट एरिया है, इधर पूरा मार्केट बैठता है, बट अभी देखिए इसका क्या हाल हो गया है। शिट यहाँ पे पानी का बस आप फोर्स देखिए, कितने फोर्स से पानी इधर एक्सट्रीमली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओ शिट बहुत ज़्यादा ही फोर्स है यहाँ पे, ओ मैन
वहाँ पे हम लोग का शॉप है एक्चुअली, तो उधर ही जाना है हम लोग को। देखते हैं क्या हाल हो गया होगा। तक तो पानी लग रहा है कि फुल अंदर चला गया होगा, लेट्स सी। पापा बहुत टेंशन में है एक्चुअली। ये हम लोग का अंदर है शॉप, तो यहाँ पे पता नहीं उनका डॉक्यूमेंट का हालत क्या होगा। अब तक तो पूरा, अरे बाप रे, पूरा पानी अंदर चला गया है, लेट्स सी। अरे कितना पानी अंदर आ गया। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि अपना मतलब घर छोड़ के दूसरी जगह में शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत लोगों मैंने पूछा, लेकिन सभी बोल रहे हैं कि मतलब घर का हाल बहुत ही खराब है, ऐसा ऐसा है। मतलब इतना पानी होगा किसी ने सोचा भी नहीं था एक्चुअली। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रीम लेवल में पानी आ गया है, रात रात में आ गया एक्चुअली। कल रात भी नहीं था, मॉर्निंग अप्रॉक्स 3:30 AM अप्रॉक्स होगा कि पानी आना स्टार्ट हो गया। पानी का बहाव एक्चुअली इस साइड से आ रहा है एंड ये साइड में फुल स्पीड में जा रहा है एक्चुअली। दुकान का हालत देखिए, मतलब अंदर फुल पानी है। थैंक्स टू देम एक्चुअली, लोगों को एटलीस्ट कुछ खाना लेने के लिए तो मिल रहा है। मेडिसिन का शॉप तो ऑब्वियसली खुला ही है। ये लोग ही एक्चुअली रियल हीरो बोल सकते हैं एक्चुअली। इतने खराब कंडीशन में लोगों के लिए भी आके ये अपना शॉप खोल के रखे कि इमरजेंसी पर्पस में कुछ भी लग सकता है। मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओ शिट, इधर तो और एक्सट्रीम लेवल में पानी है। इधर का तो देख के लग रहा है कि नदी में आ गया मैं। सीरियसली गाइस, इधर का पानी का स्पीड देख के तो मुझे लग रहा है मैं नदी में आ गया हूँ एक्चुअली। इतना स्पीड में पानी आ रहा है, इन लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। थोड़ा सा देखते हैं। और कोई इन लोग का हेल्प कर देना क्योंकि इन लोग तो बोल नहीं सकते गाइस। थैंक्स ब्रो। ये शुनाई रोड एरिया है एक्चुअली। इधर में तो बहुत वैसे भी पानी रहने से, बारिश की वजह से पानी आ जाता है फुल, और अभी तो इसका हालत आप देख ही सकते हो, बहुत ही बुरा है। तो सर्फिंग हो सकता है भाई यहाँ पे। इस वेव में तो सर्फिंग हो सकता है सीरियसली। और ये है हमारा मेडिकल रोड, सिलचर मेडिकल रोड। तो रंगेघरी पॉइंट से आप देख सकते हो मतलब कितना पानी आ गया ये वाला एरिया पे। मुझे एक्चुअली मन नहीं था आज बाहर निकल के ये सब करने का, लेकिन पापा के साथ आया तो सोचा कि एक बार कुछ वीडियो कर ही देता हूँ। मुझे एक्चुअली इतना अच्छा नहीं लगता ये सब सिचुएशन में आके वीडियो करना, बट मैंने सोचा कि एक हर कोई बना रहा है तो एक बनता है मेरा भी। ये बराक मार्केट है। मार्केट के अंदर से आप देखो कितना उस डायरेक्शन से पानी इस डायरेक्शन में कितना स्पीड से आ रहा है। लग रहा है तो हर 15 मिनट में ये पानी का स्पीड और ज़्यादा आ रहा है इसका। ओ शिट, जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं आज।
बस इसी का ही कमी था। यहाँ पे अभी सर्फिंग बोर्ड भी आ गया है, बनाना ट्री से एक्चुअली बनाया है इन लोग ने। ये वाला एक्सपीरियंस याद रहेगा गाइस, मतलब इतना पानी मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया है ऐसा इतना बड़ा वाला फ्लड। बहुत सालों पहले 2004 में एक बार हुआ था सेम, बट तब मैं हॉस्टल में था तो मैं तब एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। गया भाई, ये जितने भी आज बाइक लेके निकले हैं ना, इनका हालत ख़राब होगा, अभी तो नहीं समझेंगे आफ्टर 2 डेज। रियली थैंक्स टू दिस वर्कर्स जो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपना ड्यूटी पूरा निभा रहे हैं। ये साइड का स्पीड देख के आप समझ रहे हो कितना स्पीड से पानी आ रहा है और ज़्यादा भरेगा। मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स 3 बजे तक, अभी तो 10:30 बजा है मॉर्निंग के, सो 3 बजे तक दोपहर के फुल और ज़्यादा पानी ये डूब जाएगा जितना मुझे लग रहा है। 1 घंटा हुआ है हम लोग इधर आए थे, इधर क्रॉस किए थे, और 1 घंटे में पानी बहुत ज़्यादा ही पानी भर गया है। हम लोग थोड़ा बहुत खाना लेके जा रहे हैं घर और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। एक्चुअली आने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि फोर्स इस साइड में था, अभी रिवर्स फोर्स में हम लोग जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग रहा है जाने के लिए। अचानक से ये धूप भी पता नहीं कहाँ से आ गया है, धूप तो आ गया है फाइनली एंड बारिश भी पूरा ही हट गया है। होपफुली ये साइड में भी थोड़ा बहुत अभी पानी रह गया है। 2 घंटा पहले जैसे देख के गया था पानी वहाँ तक था, अभी ये फुल होके इधर तक आ गया। ये बिल्पर एरिया है, यहाँ पे रेस्क्यू टीम आया है, यहाँ पे और एक रेस्क्यू बोट आ गया है, अभी सब बोट रेडी कर रहे हैं। बहुत सारा पानी आ गया है अभी 2 फुट से ज्यादा, 2 घंटे में 2 फुट। हम लोग मतलब जो प्रॉपरली रह रहे उनके लिए तो सही है, लेकिन इधर बहुत सारे ऐसा घर है मतलब उनका तो हालत बहुत ही खराब हो गया है, मतलब सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। हम लोग जब निकले थे तब अप्रॉक्स कमर तक पानी एंड अभी देख सकते हो चेस्ट लेवल में आ गया है हम लोग के घर के सामने पानी। फाइनली घर तो आ गए, लेकिन पानी देख के लग रहा है कि सोचा कि इस वीडियो को एंड कर देते यहाँ पे आके, एंड मैं आपको लास्ट दिखा देता हूँ कितना पानी है अभी। मतलब अगर मैं बीच रोड के बीच में आ जाऊँ तो देख लो इतना पानी हो गया है। ये पब्लिक स्कूल रोड है सिलचर का, और श्यामानंद आश्रम लैन है ये रोड है, एक्चुअली श्यामानंद आश्रम वहाँ पे है, तो जो लोग सिलचर से देख रहे हो उन लोग को तो समझ में आ गया होगा मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली एंड यहाँ पे कितना पानी है अभी। काइंड ऑफ स्विमिंग पूल बन गया है ऑलमोस्ट या पूरा ही। सो ऐसे बहुत जिन लोग के घर में पानी गया है उन लोग के लिए सीरियसली बहुत ही बुरा लग रहा है, एंड होपफुली ये पानी जल्दी उतर जाए, बट लग नहीं रहा है कितना टाइम में ये उतरेगा। जो लोग भी असम के आउटसाइड से देख रहे हैं जस्ट प्रे फॉर असम एंड प्रे फॉर सिलचर एज वेल, एंड जो लोग सिलचर से देख रहे हो आई होप आप लोग घर पे रहो, मैं भी अभी घर पे ही जा रहा हूँ। इतना पानी मतलब हर घंटे में 1 फुट करके इंक्रीज़ हो रहा है, स्पेशली हम लोग के एरिया में इतना हो ही गया है। एंड बी सेफ, बाय। और इस वीडियो में मैं लाइक शेयर बोलूँगा, ऑब्वियसली लाइक एंड ऑल बोल के मुझे मतलब फील नहीं आ रहा है वो सब चीज़ें, बस शेयर कर देना और सबको दिखा देना मतलब कैसा एक्सट्रीम लेवल में कहाँ कहाँ पे पानी है। जो लोग सिलचर से देख रहे हो स्पेशली आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।